हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले फिनोलेक्स केबल के बारे में। फ्राइडे के दिन जबरदस्त तेजी हुई है शेयर में, आप देख सकते हो। फ्राइडे के दिन इसमें 11.2% की तेजी हुई है, 498 रुपीज पे चल रहा है स्टॉक। और स्टॉक ने मल्टी वैगर रिटर्न दिए और बहुत सालों से ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है अभी। और इस कंपनी को अभी एक्यूमुलेट कीजिए, ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी भी एक वेल नोन ब्रांड है फिनोलेक्स। और इसमें बिग शार्क इन्वेस्टर भी वेल नोन ब्रांड है, इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, आगे हम देखेंगे। और पिछले 6 महीने में देखोगे तो कंपनी ने 22% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। और बड़े बड़े इन्वेस्टर देखिए, HDFC ग्रुप 4.12%, फ्रैंकलिन इंडिया ग्रुप 3.46%। तो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखी है HDFC ग्रुप ने और फ्रैंकलिन इंडिया ग्रुप ने। तो ये दो बड़े इन्वेस्टर इसमें सालों से इन्वेस्टेड है। और देखिए इस कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस देखोगे तो आप देखिए ईयर टू डेट में 6% डाउन चल रहा है, अभी भी एक साल में देखोगे तो बस 9% के रिटर्न दे रहा है। और 3 सालों में देखोगे तो कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, 35% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। और इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल बाकी है अभी भी, और ये शेयर आगे जबरदस्त रैली करने वाला है। और देखिए इसका फिनोलेक्स केबल का टारगेट दे रहे शेयर खान 581 रुपीज। तो अभी भी आपने जो भी इन्होंने हाई दे रहा है, ये जो भी अभी टारगेट दे रहे हैं उसके भी नीचे ही चल रहा है स्टॉक। और ये शेयर आपको नियर टर्म अगले 2 से 3 सालों में 1000 रुपीज के लेवल आराम से दिखा सकता है। तो इस शेयर में इन्वेस्टेड रहिए, अगर आपके पास ये शेयर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो गिरावट में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। और अभी हमारी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर के पास है 35.92%, FIIs है 9.25%, DIIs है 15.28% और पब्लिक देखिए 39.56% पब्लिक है। तो पब्लिक ने बहुत सारा माल उठा रखा है, बस आपको होल्ड करना है। अगर आपके पास ये शेयर है तो होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए। ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके जरूर देगा। और रेवेन्यू देखिए, कंपनी कंटिन्यूअसली अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है और 22 में कंपनी कामयाब भी हो चुकी है। 3768 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है कंपनी और नेट प्रॉफिट अप डाउन चल रहा है इनका, मगर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके जरूर देगी। और देखिए टोटल इनकम कंटिन्यूअसली कंपनी अपना इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इंटरेस्ट देखिए, जीरो इंटरेस्ट, डेट फ्री कंपनी है, जबरदस्त स्टॉक है। और अपने प्रॉफिट देखिए, क्वार्टरली प्रॉफिट देखोगे तो जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी। और अभी हमारी कंपनी के रिजर्व्स पे आप देख सकते हो, कंटिन्यूअसली कंपनी अपने रिजर्व्स बढ़ाती जा रही है। और अभी 22 में कंपनी के पास 3891 करोड़ के रिजर्व्स पड़े, तो जबरदस्त रिजर्व्स है कंपनी के पास। और इसमें पीयर्स में देखोगे तो आप देखिए फिनोलेक्स केबल और सबसे नंबर वन स्टॉक है केबल इंडस्ट्री का पॉलीकैप, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। सेकंड नंबर पे आता है KEI इंडस्ट्रीज और उसके बाद आता है फिनोलेक्स केबल। तो थर्ड नंबर पे है ये कंपनी और जरूर ये सेकंड नंबर, एक नंबर पे भी जा सकती है, सेकंड नंबर पे जरूर जा सकती है ये कंपनी। एक नंबर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, पॉलीकैप के बहुत ही नीचे चल रहा है, मगर कंपनी में बहुत पोटेंशियल बाकी है और जबरदस्त कंपनी और वेल नोन ब्रांड की कंपनी है। और देखिए ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर को, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड बांटती है। और 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ डिविडेंड भी बढ़ाती जा रही है कंपनी, आप देख सकते हो 4 रुपीज़ से 4.5, 5.5, फिर 6 रुपीज़ पे आ चुकी है अभी ये कंपनी। अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड भी बांटती है कंपनी। और देखिए कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया है अपने शेयर होल्डर को, बहुत लंबे समय से मार्केट में काम कर रही है। 1988 में 4:5 का बोनस दिया था, 1992 में 1:1, 94 में 1:1, 99 में 1:1। तो जबरदस्त कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया है, 4 बार कंपनी ने बोनस दिया है। और स्प्लिट देखिए, एक बार स्प्लिट दिया है, 2007 में कंपनी ने फेस वैल्यू 10 का 2 कर दिया है। और अभी हमारे शेयर प्राइस पे आप देख सकते हो, एक साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, 600 रुपीज़ से कंपनी 400 रुपीज़ के भी नीचे आ चुकी थी और वहाँ से कंपनी रिकवरी कर रही है और अपने हाई के ऊपर जरूर निकल जाएगी ये कंपनी। और 5 सालों में देखोगे तो अभी भी 16% डाउन ही चल रही है, गिरावट में ही चल रही है कंपनी। और मैक्सिमम देखोगे तो कंपनी ने 2,242% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। ये कंपनी 2018 में 726 रुपीज़ पे गई थी और वहाँ से जबरदस्त क्रैश हुआ था शेयर, कोविड में ये शेयर बहुत नीचे आ चुका था और वहाँ से कंपनी ने 600 रुपीज़ तक रैली की थी। और अभी फिर से गिरावट के बाद कंपनी ऊपर जा रही है और ये कंपनी अपने हाई को तोड़ के आगे जरूर निकल जाएगी और 1000 लेवल आप लेके चल सकते हो इस शेयर का। और ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।